और लीजिए, जिस शो का आप सबको इंतजार था फाइनली वो शो टेलीकास्ट हो ही गया। वेल, हम बात कर रहे हैं सोनी टीवी के नए शो दिल ही तो है की, जिसमें एक्टर करण कुंद्रा बने हैं ऋत्विक नून, तो वहीं एक्ट्रेस योगिता बिहानी पलक नाम की स्वीट सी लड़की का किरदार निभा रही हैं। तो चलिए, कैसा रहा शो का पहला एपिसोड, शो में क्या कुछ दिखाया गया, इसका एक छोटा सा क्विक सा रिव्यू आपको जल्दी से देते हैं। वेल, शो की शुरुआत होती है गायत्री मंत्र और मंदिरों के शॉट से, जैसा कि हम एकता कपूर के बाकी सीरियल्स में देखते आए हैं। इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है पलक के दोस्त आरोही के शॉट से। पलक की दोस्त आरोही उसे बताती है कि एक हैंडसम से लड़के से उसे बहुत प्यार है, लेकिन वो उसके साथ कमिटमेंट करने से मना कर चुका है। इसके बाद पलक उस लड़के पर अपना गुस्सा निकालती है। वेल, आपको बता दें कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋत्विक नून ही है, जो एक अय्याश अमीर है। इसके बाद पलक अपनी दोस्त आरोही को खूब समझाती है ताकि वो उसे भूल जाए। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो इस तरह के लड़के से कभी भी मिलना पसंद नहीं करेगी, लेकिन भाई किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। भाई इन दोनों को मिलना जो है, फिर कहानी में आ जाता है 2 महीने का लीव, जहां पूरी नून फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। ऋत्विक जहां एक अय्याश लड़का है, तो वहीं उसका पूरा परिवार काफी खुश मिजाज है। लेकिन फिर यहीं से कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। दरअसल नून फैमिली ने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें शहर का हर छोटा बड़ा शख्स पहुंचा। इस पार्टी में आरोही भी पहुंच जाती है ऋत्विक को अपने प्यार के लिए कन्विंस करने के लिए, मगर आयन मौके पर पहुंचकर पलक उसे समझाती है। पलक आरोही से कहती है कि ये लड़का उसके लायक नहीं है और वो उसके बारे में सोचना बंद कर दे और उससे ना मिले। इसके बाद आरोही को लेकर जैसे ही पलक पार्टी से निकलती है, उसके साथ हो जाता है एक हसीन सा हादसा। अचानक से पलक को याद आता है कि उसका आई कार्ड छूट गया है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही ऋत्विक नून के रूम में जाती है, अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर अंधेरे में होती है पलक और ऋत्विक की पहली मुलाकात। और मुलाकात ही क्या, दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद जहां पलक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, तो वहीं ऋत्विक काफी हैरान सा हो जाता है। तो वही, ये थी शो के पहले एपिसोड की पूरी कहानी। अब ये सब कुछ जानकर हम तो यही कह सकते हैं कि शो की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है। तो अब कैसे ऋत्विक और पलक एक दूसरे की जिंदगी में ना चाहते हुए भी शामिल होंगे, कैसे इनका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। वैसे आपको कैसा लगा शो का पहला एपिसोड, आप भी अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके हमें जरूर बताइए।